नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आज ईद है और ईदगाह पर आज भारी संख्या में मुसलमान पहुँचे हैं और एक महीना तक रोज़ा रखने के बाद अल्लाह की इबादत पूरी होने की खुशी में भी ईद मनाई जाती है। कुरान के अनुसार ईद को अल्लाह की ओर से मिलने वाला इनाम का दिन माना जाता है। इस दिन मुसलमान पूरे एक महीने के रोज़े के बाद ईद मनाते हैं। आज इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी, 20 साल हमको भी हो गए पत्रकारिता करते हुए, मगर जितनी भीड़ आज हमने ईदगाह पर देखी शायद इससे पहले कभी नहीं थी। हर कोई ईद मनाने की खुशी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी ईद नवाज शुरू नहीं हुई, उससे पहले की ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में नवाज अदा की जाएगी और लोग उसको पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। प्रशासन इस बार मुस्तैद नज़र आया, किसी भी नवाजी को रोड पर नहीं बैठने दिया। प्रशासन की गाड़ी इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ती रही और यही निवेदन करती रही कि भाई रोड पर कोई नमाज नहीं अदा करेगा। हमारे नजीबाद के मुसलमान भाई इतने समझे और सुलझे हुए हैं, प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग किया और कोई भी नवाजी नवाज के लिए रोड पर नहीं बैठा। मुसलमान भाई सबको समझाते नज़र आए। अब कुछ ही क्षणों में ईद शुरू होने वाली है, लोग ईद के लिए नवाज के लिए खड़े हो गए हैं। नमाज के लिए लोग बाग खड़े हो गए हैं और जो देर से आ रहे थे वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की गाड़ी पूरी तरह से रोड पर दौड़ रही है। प्रशासन इस बार इतना चुस्त दुस्त नज़र आया कि रोड पर किसी भी व्यक्ति को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। नमाज के लिए लोग खड़े हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों बाद नमाज की तैयारी में लग गए हैं और कुछ ही क्षणों बाद ईदगाह पर नमाज अदा की जाएगी। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई नमाज के लिए पहुँच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में नमाज शुरू हो गई है। अल्लाहु अकबर।
ईदगाह की निगरानी कर रहे एसडीएम और सीओ गाड़ी से घूमते नज़र आए। प्रशासन इस बार पहली बार हमने देखा इतना मुस्तैद नज़र आया। उपजिलाधिकारी और सीओ दोनों पुलिस क्षेत्राधिकारी गाड़ी से घूमते नज़र आए। कहीं भी कोई किसी तरह की नवाजी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आराम के साथ नवाज पढ़ी गई और ईदगाह पर ईद समाप्त हुई। एसडीएम सीओ आप देख रहे हैं गाड़ी से घूम रहे हैं, उन्होंने ईदगाह को बड़ी सहलता से सह नभाया। ईद नवाज अदा हो चुकी है, नवाज अदा हो चुकी है और अब लोगों को घर जाने की बारी आई। बड़ी संख्या में लोग यहां से निकल रहे हैं और अपने घरों पर जाकर लोगों को ईद की दुआएं देंगे। हमारे नगर के चेयरमैन इंजीनियर मौजम भाई और शहर काजी यहां पर मौजूद हैं और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की खुशियां मना रहे हैं और ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नजीबाबाद में लोग आपस में एक दूसरे को गले मिलते हैं और दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। ईद पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यह घटना, ये ईदगाह की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मौजम भाई यहाँ पर मौजूद हैं और शहर काजी मौजूद हैं और लोगों को गले मिल रहे हैं। शहर के जाने माने हस्तियाँ नजीबाबाद के मुस्लिम भाई यहाँ पर ईदगाह पर नमाज़ पढ़ने आते हैं और हमारे अमर उजाला के अशरफ भाई भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने पहुँचे हैं अपने बेटे के साथ और इंजीनियर मौजम भाई उनसे मिल रहे हैं और शहर काजी उनसे मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं।